सोमवार सुबह प्रधानमंत्री आवास के ऊपर ड्रोन उड़ने की सूचना से मचा हड़कंप। जैसे ही एसपीजी ने दिल्ली पुलिस को इस बारे में जानकारी दी तो तमाम आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। सुबह के तकरीबन 5 बजे एसपीजी ने नई दिल्ली पुलिस को इस संबंध में जानकारी दी, जिसके बाद नई दिल्ली इलाके तमाम अफसर और भारी फोर्स ड्रोन की तलाश करने लग गई। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री से मिलने से पहले कैसा होता है उनके आवास में सिक्योरिटी चेकअप? आइए जानते हैं इस वीडियो में। प्रधानमंत्री आवास में एंट्री 9 लोक कल्याण मार्ग से मिलती है। पहले कार पार्किंग में लगाई जाती है और फिर उस व्यक्ति को रिसेप्शन में भेजा जाता है। फिर सुरक्षा जांच की जाती है, जिसके बाद व्यक्ति 7, 5, 3 और 1 लोक कल्याण मार्ग में एंट्री लेता है। आपको बता दें कि पीएम के आवास में पहुंचने की सुरक्षा जांच इतनी सख्त होती है कि अगर उनका कोई परिवार का सदस्य भी हो तो उन्हें भी इसी जांच से गुजरना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति के प्रधानमंत्री आवास में एंट्री लेने से पहले सचिवों की ओर से मिलने वालों की लिस्ट तैयार की जाती है और जिन व्यक्तियों का नाम लिस्ट में होगा सिर्फ वही प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ जो व्यक्ति प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा है उसके पास एक पहचान पत्र होना भी बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हर तरफ एसपीजी यानी कि विशेष सुरक्षा दल के जवान तैनात रहते हैं। उनकी 24 घंटे की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी पर ही होती है। आपको बता दें कि उनकी सुरक्षा में विभिन्न घेरों के तहत 1000 से ज्यादा कमांडो तैनात रहते हैं। यानी भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था दुनिया के किसी भी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष की सुरक्षा व्यवस्था की तरह चाक चौबंद होती है। भारत के प्रधानमंत्री का सरकारी आवास राजधानी दिल्ली के लुटियंस जोन के लोक कल्याण मार्ग पर स्थित 7 नंबर बंगला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं पर रह रहे हैं और वो साल 2014 से वहीं पर रह रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास का आधिकारिक नाम पंचवटी है। इसे 5 बंगलों को मिलाकर बनाया गया है। 7 लोक कल्याण मार्ग में रहने वाले सबसे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी और वो साल 1984 में यहां पर आए थे। यह आवास 12 एकड़ में बनाया गया है और इसका निर्माण साल 1980 में किया गया था। इस आवास में एक नहीं बल्कि 5-5 बंगले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, सह आवास क्षेत्र और सुरक्षा प्रतिष्ठान है। इसमें से एक विशेष सुरक्षा समूह और दूसरा गेस्ट हाउस शामिल है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मिलने वाली जानकारी को आप सिर्फ अपने तक नहीं रखेंगे बल्कि इसे अपने सभी दोस्तों और अपने आसपास के लोगों के साथ भी जरूर साझा करेंगे। आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।